स्टैंड 10 चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. क्या बोला है? हर नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के हिसाब से प्रोडक्ट में शो कीजिए. प्रोडक्ट में शो करना मतलब क्या? उसका मल्टीप्लिकेशन ढूंढना. तो पहले तो 140 का आपने ढूंढते हैं 140, राइट. अब 140 को यहाँ ऐसे ढूंढेंगे, ट्राई करेंगे पहले 2 से 7 की 2 जा, फिर 2 से 35 टू जा. अब यहाँ पे 2 के बाद सोचना है 3. अगर 3 से हो रहा है तो ठीक है, वरना 4. 4 से हो रहा है तो ठीक है, वरना 5. 5 7 जा, 5 से 5 के टेबल में 7 नहीं आएगा, तो फिर करेंगे 7 1 जा 7. अब यहाँ पे बोला है वैसे 2 × 2 × 5 × 7 ये जो मिला अपने को वो उसका प्रोडक्ट हुआ. अब लिखना कैसे है? 2² × 5 × 7 ये इसका आंसर हो गया, बराबर. ऐसे लिखना था. अब आगे 156 को सैम शो करना है. ठीक है, सो 156 पहले 2 से करेंगे, 2 7 जा 2 8 जा, 2 3 जा 2 9 जा. 2 को 39 के 2 के टेबल में 39 आएगा नहीं, तो यहाँ पे सोचेंगे 3 से, तो 13 3 जा. अब 3 के टेबल में 13 नहीं आएगा, तो आंसर आएगा 13 1 जा. तो 156 का आंसर आएगा 2 × 2 × 3 × 13. 2² × 3 × 13 इसका आंसर. वैसे ही करेंगे 3825 का. 3825 इसका लास्ट डिजिट 5 है, तो ये 5 से ही होने वाला है. ठीक है, अब आगे होगा 153 को 3 से डिवाइड कर पाएंगे, 3 5 3 1, फिर 3 से 17 3, फिर 17 को तो किसी से मल्टीपल डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए 17 1 17. तो आंसर आएगा 3825 = 5 × 5 × 3 × 3 × 17. 5² × 3² = 17. ये आया इसका आंसर, बराबर. आगे 5005 को इसका लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 से ही डिवाइड करेंगे. इसका आएगा 1001. अब 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा नहीं, तो फिर इसका लास्ट डिजिट है 1. 1 को ऐसे कितने टेबल है जिसके पीछे 1 आता है? देखो, 3 के टेबल में 1 आता है, 11 के टेबल में 1 आता है, 7 के टेबल में 1 आता है, बाकी कहीं 1 नहीं आता है. अपने को ये सोचना है कि 3 से हो सकता है, तो पहले 1001 को 3 से डिवाइड करके देखो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है. अब हो रहा है 7, तो 7 से चेक करके देखो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हो रहा है, बराबर. तो 1001 को 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 143. अब देखना है कि 143 किसके टेबल में आता है. तो 143 ना 2 के टेबल में आते हैं, ना 3 के टेबल में आते हैं, ठीक है, ना 4 के टेबल में आते हैं, क्योंकि लास्ट डिजिट 3 है, तो वो भी नहीं आएगा. फिर 5 के टेबल में भी नहीं आते, 6 के टेबल में भी नहीं आते, 7 के टेबल में आते हैं कि नहीं एक बार चेक करेंगे, तो 7 के टेबल में भी नहीं आते, 8 के टेबल में नहीं आएगा, 9 के टेबल में नहीं आएगा, 10 के टेबल में नहीं आएगा. अब चेक करेंगे 11 के टेबल में आ रहा है, तो हाँ 11 के टेबल में आएगा. तो 11 1 11, यहाँ पे 3 बचेगा,
तो 11 मल्टीप्लाई बाय 13 तो 143 मिल जाएगा। अब 13 ones 13 आंसर आएगा 5005 का 5 × 7 × 11 × 13। अब ये है 7429। लास्ट में 9 है तो 9 के टेबल में भी आ सकता है, 3 के टेबल में भी आ सकता है। अपने को छोटे से छोटे नंबर से चालू करना है तो अपने को तीन से ही चालू करना है क्योंकि 9 उससे बड़ा नंबर हो जाता है। तो उसको 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ रहा है पॉइंट में, मतलब कि वो 9 मतलब 3 से भी डिवाइड हो नहीं रहा है। तो अब 9 से करके देखेंगे, 7429 डिवाइडेड बाय 9, तो उसका आंसर भी नहीं आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे कोई ऐसा आंसर है कि ना तो 3 से हो रहा है ना तो 9 से हो रहा है, बराबर। अब 4 पॉसिबल नहीं है, 5 पॉसिबल नहीं है, 6 पॉसिबल नहीं है, 7 देखते हैं, 7 × 7 = 49, मतलब यहाँ पे 7 से हो सकते ऐसा लग रहा है, तो अपने को 7 से डिवाइड करके देखना है, तो नहीं वो भी नहीं हो रहा है। अब 8 तो पॉसिबल नहीं है, नहीं होगा। 9 से देखते हैं तो 9 से हो रहा है कि नहीं एक बार देख लेते हैं, तो 9 से भी नहीं हो रहा है। अब बचा 10, तो 10 से तो अभी कर नहीं सकते। अब बचा 11, देखते 11 से हो रहा है कि नहीं, तो 11 से भी नहीं हो रहा है। अब देखते 12 से भी नहीं होगा, 13 से करके अपने आगे चेक करेंगे तो 7429 डिवाइडेड बाय 17, तो यहां पे अपने को लिखना पड़ेगा 17 और यहां पे आएगा 437 और वापिस से 17 से करेंगे तो आंसर आ नहीं रहा है, 437। फिर आगे देखेंगे 437 को 17 से नहीं हो रहा है, फिर 18 से करके देखे तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर 19 से करेंगे 437 डिवाइडेड बाय 19 तो अपने को आंसर मिलेगा 23 और यहाँ पे मिलेगा 23 ones 23। 7429 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 23, ये आंसर मिल जाएगा। अब एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इज इक्वल टू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, बराबर। तो यहाँ पे पहले तो मैं ये लिख देता हूँ, अपने को ये प्रूव करना है LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो इसको ये फॉर्मेट में लिखो या फिर a इंटू बी लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है, बराबर। यहाँ पे a इंटू बी लिख दो मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स ही होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले तो LCM फाइंड करना है और HCF फाइंड करना है, और दोनों मिल जाए फिर यहाँ पे लिखना है। तो पहले तो इसका HCF फाइंड करेंगे, तो पहले तो क्या करेंगे अपने 26 और 91 और दोनों के आगे जो क्वेश्चन करा था ना वो वाला, वैसे उसके फैक्टर निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर निकालेंगे। तो पहले तो 26 का चालू करेंगे 2 से, सेम इधर 91 को करेंगे, लास्ट में 1 डिजिट है, तो अपने को ऐसा नंबर ढूंढना है, ऐसा टेबल ढूंढना है जिसके पीछे 1 आता हो। तो 7 का टेबल देखिए, 7 × 7 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, तो लास्ट में 1 आए तो 7 यहाँ पे आंसर हो सकता है। तो 7 91 डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो 13 मिलेगा और 13 × 1 = 13। अब यहाँ पे पहले अपने ढूंढेंगे HCF, मतलब दोनों में जो कॉमन हो, तो कॉमन क्या है 13, तो यहाँ पे मुझे HCF मिला 13। अब LCM क्या हो, तो LCM सब एक एक बार, तो ये 2 एक बार आएगा, 13 एक बार आएगा और एक बार 7 आएगा, तो आंसर मिलेगा 7 × 2 = 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 13 आंसर आएगा 180। तो अब मेरे को HCF मिल गया, LCM मिल गया, LCM मिला है मुझे 182, HCF मुझे मिला है
13, यहाँ पे A मेरा है 26 और B मेरा है 91. अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करो उसका आंसर सेम आया तो ये वेरीफाई होगा कि नहीं हुआ, तो आपका आंसर सही है कि नहीं वो यहाँ से ही पता चल जाएगा. तो यहाँ पे आंसर आया 2366. 26 मल्टीप्लाई बाई 91 करोगे उसका आंसर भी आएगा 2366. सो इट्स वेरीफाइड, ऐसे लिखना है. अब आगे 510, तो उसका होगा 17 मल्टीप्लाई बाई 30, फिर इसको करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 15, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 ones are 5. सेम हियर 92 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 46, फिर 2 2 2 3 23 ones are. अब इसका HCF क्या होगा? तो HCF दोनों में कॉमन क्या है, तो ये दो और ये दो कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन है नहीं. और LCM क्या होगा? LCM एक बार 2, एक बार 3, अब यहाँ पे 2 दो बार है तो 2 दो बार लेंगे, एक बार 3, एक बार 5, एक बार 17, एक बार 23. देखो 2 यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 2 बार है तो मैंने 2 बार लिया, फिर 3 सिंगल टाइम है, 5 सिंगल टाइम है, 17 सिंगल टाइम है, 23 भी सिंगल टाइम है. तो इसका LCM क्या आएगा? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 23,460. यही फॉर्मूला में अपने लिखेंगे, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. तो LCM आया अपना 23460 मल्टीप्लाई बाय HCF आया 2, A है 510 और B है 92. अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं दोनों के आंसर सेम आते हैं कि नहीं आते हैं. इसका आंसर आया 46,920. अब उसका आएगा 510 मल्टीप्लाई बाई 92, तो उसका भी आंसर आया सेम 56920, मतलब कि ये भी वेरीफाई हो गया. आगे 336. अब 336 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 168 मिलेगा, इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 84 मिलेगा, इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 42 मिलेगा, इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 21 मिलेगा, इसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 7 मिलेगा और 7 ones are 7. 54 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो अपने को मिलेगा 27. 3 9 3 3 3 1 are. इसका HCF ढूंढेंगे, तो देखो HCF इसमें ये 2 एक बार है वो लिखेंगे, 3 एक बार है तो वो लिखेंगे. इसका HCF अपने को 6 मिला, इसमें कॉमन क्या मिला, एक तो 2 और ये के सिंगल टाइम 3. यहाँ पे 2 बार 2 होते तो आंसर आता है, या 3 बार 3, यहाँ पे 1 बार 3 है, यहाँ पे 2 बार 3 होते तो 9 आंसर आता, लेकिन ऐसा है नहीं. और LCM तो 2 यहाँ पे कितनी बार है, 1 2 3 4, यहाँ पे है 1 टाइम, तो अपने ज़्यादा टाइम है वो लिखेंगे तो 1 2 3 4. 3 यहाँ पे एक बार है लेकिन यहाँ पे 3 बार है तो अपने 3 टाइम लिखेंगे, और एक बार 7. इसका LCM ढूंढेंगे, आएगा 3024. अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू A इंटू बी. LCM है 23024, HCF है अपना 6, A है 336 और B है अपना 54. ये A है, ये B है. अब चेक करते हैं आंसर आया है कि नहीं, तो 3024 को मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो आंसर आएगा 1 8 1 double 4 18,144. अब 336 को मल्टीप्लाई करेंगे 54 से तो आंसर आएगा 1 8 1 double 4, मतलब कि ये भी प्रूफ हो गया. अब आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. गिवन दैट HCF इन ब्रैकेट 306 657 इज 9, फाइंड LCM इन ब्रैकेट 306 657. अब ये गिवन दैट अपने को HCF ये दोनों का दे दिया, इसको अपने A बोलेंगे, इसको अपने B बोलेंगे, बराबर A एंड B तो दे दिया है, और अपने को क्या ढूंढने का बोलेंगे, फाइंड द LCM. तो पहले क्या करेंगे, अपने फॉर्मूला लिखेंगे, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू A इंटू B. अब जो जहां पे दिया है वो लिख देंगे,
बराबर। तो पहले तो अपने को अपने पास HCF कितना है 9, तो इसकी जगह पे लिखेंगे 9, मतलब कि LCM तो अपने को ढूंढने का है। A इज इक्वल टू 306, B इज इक्वल टू 657, तो यहाँ पे ऐसा बनेगा LCM इज इक्वल टू 306 657 डिवाइडेड बाय 9। अब 3657 को डिवाइडेड बाय 9 करो तो आंसर मिलेगा 73। इसको यहाँ पे कट करो तो 73 9 9 9 कट हो जाएंगे, वो आंसर मिल जाएगा। तो 306 मल्टीप्लाई बाय 73 अपने को LCM मिलेगा 22338। ये अपना हुआ LCM। LCM का आंसर लिखना कैसे, देखो LCM इन ब्रैकेट 306 657 इज इक्वल टू 22338, ऐसे आंसर लिखना है।